क्वेश्चन नंबर 313 देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि इन ट्रायंगल एबीसी बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। तो बीडी एसी पे परपेंडिकुलर है, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया एबीसी ट्रायंगल। फिर चलिए बीडी ए हो गया आपका एसी पे परपेंडिकुलर, है ना। बीडी क्या एसी पे परपेंडिकुलर है। ई इज अ पॉइंट ऑन बीसी, तो बीसी के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे, इसका नाम है ई। बी ई ए, ये जो एंगल है ये है आपका एक्स डिग्री। ई ए सी, यहाँ वाला एंगल कितना दे दिया है 62 डिग्री। फिर ई बी डी, ई बी डी तो ए एंगल है, ये कितना दे दिया है 60 डिग्री। और पूछ रहा है कि एक्स क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बी डी एंड सी एक राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज में यहाँ वाला एंगल 90 डिग्री है, तो जो दो एंगल बच गया उसका सम भी 90 डिग्री ही होना चाहिए। अब बताइए, एक एंगल हो गया 60, तो दूसरा एंगल क्या होगा 30, तो इसलिए बोल दिए ये 30 डिग्री हो गया। फिर क्या है, यहाँ से देखिए एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल में ये दो एंगल हो गया, एक्स जो है ई क्या है, ये हुआ एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए ई सी, इसमें एक्स डिग्री इक्वल टू 62 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 62 और 30 कितना हो जाएगा 92 डिग्री। तो सही आंसर क्या है 92 डिग्री, ऑप्शन बी। तो इसमें हमने क्या यूज किया है कि एक ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दो को ऐड करके कितना आएगा 90 डिग्री, फिर एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।